सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। मिट्टी धुंध जग चानण हो सतगुर नानक पर घटिया जो कर सूरज निकले जो कर सूरज निकले कर छपे अंधेर पलो मिट्टी धुंध जग चानण हो सतगुर नानक पर घटिया। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। मैं हाँ परमीत कौर वालिया ते साड़ी खास पेशकश सतगुर नानक प्रगटिया देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। असी थानू गुरु नानक देव जी का डूंगा इतिहास दसांगे साडे स्पेशल प्रोग्राम सतगुर नानक प्रगटिया च। मिट्टी धुंध जग चानण हो सतगुर नानक प्रगटिया जो कर सूरज सूरज निकले कर छपे अंधेर पलो मिट्टी धुंध जग चानण हो सतगुर नानक पर घटे। गुरु साहिब जी का जन्म तलवंडी नादे पिंड लाहौर पाकिस्तान च होया। कहा जाता है गुरु साहिब जी प्रखर बुद्धि दे मालक सन। गुरु साहिब ने छोटी उम्र विच स्कूल छड़ दिता ते बचपन तो ही लोक भलाई दे कारज करन शुरू कर दिते। पाया आनंद जगत विच पाया आनंद जगत विच कल तारण गुरु नानक आया कल तारण गुरु नानक आया। पहली पातशाही साहिब श्री गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1400 च रावी नदी दे किनारे तलवंडी ना दे पिंड च होया। गुरु साहिब जी दी माता दा नां तृप्ता ते पिता दा नां मेहता कालो जी सी ते गुरु साहिब जी दी भैण दा नां नानकी सीगा। गुरु नानक हिंदू मुसलमान निवाया। बचपन तो ही गुरु साहिब जी दे अंदर प्रखर बुद्धि दे लखण विखाई देन लगे। पढ़ाई लिखाई च मन ना लगन दी वजह नाल 7-8 साल दी उमर विच स्कूल छोड़ दिता। दस्या जांदा है कि जद अध्यापक गुरु साहिब जी दे प्रश्नां दे उत्तर ना दे सके ता ओ उनां नूं सम्मान नाल घर छड़ के आए। बचपन दे समय च ही कई चमत्कारिक घटनावां घटियां ते 16 साला दी उमर विच सुलखनी जी दे नाल गुरु साहिब जी दा व्याह होया ते 32 साल दी उमर विच पहले पुत्र श्री चंद दा जन्म होया ते 4 साल दे बाद दूजे पुत्र लक्ष्मी दास दा जन्म होया। नानक आया नानक आया कल तारण गुरु नानक आया। ऐ सोच के बड़ी हैरानी हुंदी है गुरु साहिब जी ने इस जग नू तारण लई 28,000 किलोमीटर दी यात्रा कीती। गुरु साहिब दा इस यात्रा तो पहला तलवंडी साहिब विखे भाई मर्दाना जी नाल मेल होया अते गुरु साहिब जी ने भाई मर्दाना जी नाल 4 उदासियां दी शुरुआत कीती।
तीजी उदासी सन 1515 च शुरू कीती, जो कि उत्तराखंड दी उदासी नाल जानी जांदी है। गुरु साहिब, ऊना मंडी, रवालसर साहिब, हरिद्वार, नानक मता, टांडा, नेपाल, तिब्बत अते लेह तक चाले पाए। सतगुरु ना गुरु नानक देव जी ने अपनी चौथी उदासी पच्छम दे इलाके च कीती। इस यात्रा दौरान गुरु साहिब ने सुल्तान, कराची, मक्का, मदीना, बगदाद, करबला, तेहरान, काबल, जलालाबाद तक कीती। कुछ इतिहासकार एवी दसदे ने कि गुरु साहिब ने तुर्की, अफ्रीका अते रोम तक चाले पाए। गुरु साहिब ने अपनी उदासियां दौरान सच्ची मनुखता दा संदेश दिता अते वहमा परमा दे परी लुकाई नू जिंदगी दा असल मकसद दसिया। पातशाही गुरु नानक देव जी ने नगर सुल्तानपुर लोधी विखे अपने जीवन दा काफ़ी समा बिताया। सुल्तानपुर लोधी नगर विखे गुरु नानक पातशाही तो संबंधित कई इतिहासक यादगारा मौजूद ने। तुहानू दिखाने आ की है सुल्तानपुर लोधी दा इतिहास। सुल्तानपुर लोधी पंजाब दा 1000 साला पुराना शहर सी। सिख इतिहास नाल सुल्तानपुर लोधी दा संबंध 15वीं सदी दे अंत विच शुरू हुंदा है। ननकाणा साहिब ते करतारपुर तो बाद एही एक नगरी है जिस दे नाल गुरु नानक पातशाह दा गहरा संबंध रहा है। गुरु जी ने इत्थे अपनी जिंदगी दे 14 साल बतीत कीते ने। गुरु नानक पातशाह नू सुल्तानपुर उना दी भैण लेके आई सी। ए नगर जलंधर तो 42 किलोमीटर ते कपूरथला तो 27 किलोमीटर दी दूरी ते है। सुल्तानपुर लोधी विखे गुरु नानक पातशाह नाल संबंधित कई इतिहासक गुरुद्वारा साहिब सन। सब तो पहला असी तुहानू दर्शन करवा रहे हन सब तो इतिहासक गुरुद्वारा बेर साहिब दे। कलयुग है बई कलयुग दे विच बन गए संत बथेरे ओ भुल के गुरु चरणा नु लाले आपो अपने डेरे। सुल्तानपुर लोधी दी धरती पावन पवित्र ते इतिहासक है। इस धरती ते अकाल पुरख बाबा नानक ने अकाल पुरख दे हुकुम नू प्रवान कीता ते इस ही थावां तो वख वख थावां ते जाके सच धर्म नू पसारिया ते मानवता दी भलाई लई कारज कीते। पिछे लग के साध पखंडियां दी तू बोल ना जाए ओ बंदिया वाहे गुरु कह सतनाम सतनाम कह ओ बंदिया वाहे गुरु कह सतनाम। सुंदर ते इतिहासक गुरुद्वारा बेर साहिब गुरु साहिब दे याद विच है। ए सुल्तानपुर लोधी दा मुख गुरुद्वारा है ते उसे वेई नदी ते बनिया होया है जिथे गुरु साहिब रोजाना इश्नान करदे सी।
ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਈ ਨਦੀ ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਰੀ ਦੀ ਦਾਤਣ ਵੀ ਕੀਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਦਾਤਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਤਣ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਦਾਤਣ ਹਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆਏ, ਵੇਈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬਾ ਮਾਰਿਆ। ਸੇਵਕ ਆਪ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਭਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਸਰ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਟਾ ਬੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਡੁੱਬਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਦੇ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਸੰਤ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਹੁਣ ਢਾਡੀ ਵੇਗਾਰ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ, ਢਾਡੀ ਸੱਚੇ ਮਹਿਲ ਖਸਮ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪੈਦਾ ਸੱਚਖੰਡ, ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਨਦੀ 'ਚ ਅਲੋਕ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਿਖਾਇਆ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਓ ਬੰਦਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਓ ਬੰਦਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਓ ਬੰਦਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਥਿਤ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਅੜਚਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖੇ ਰਾਹ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸੁਭ ਬਚਨ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸੁਭ ਬਚਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ
नानक देव जी ने लोकां नूं अज्ञानता दे हनेरे तो बाहर कढ़न लई विश्व दियां वख-वख थावां ते गए। गुरु साहिब दे जीवन नाल संबंधित ज्यादातर गुरुद्वारे पाकिस्तान दे विच स्थित ने। श्री गुरु नानक देव जी दा दर्शन इशनान गुरुद्वारा ननकाणा साहिब, गुरुद्वारा बाल लीला साहिब, गुरुद्वारा मालजी साहिब, गुरुद्वारा कियारा साहिब, गुरुद्वारा तंबू साहिब, गुरुद्वारा पट्टी साहिब, गुरुद्वारा सच्चा सौदा चूड़न खान विखे, गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल, गुरुद्वारा करतारपुर साहिब, गुरुद्वारा रोड़ी साहिब, गुरुद्वारा चक्की साहिब, गुरुद्वारा भाई लालो जी, गुरुद्वारा छोटा ननकाणा साहिब, गुरुद्वारा थड़ा साहिब, गुरुद्वारा शिरकपुर, गुरुद्वारा साधु बेला ते गुरुद्वारा धर्मशाला साहिब सुशोभित ने। भावें कि वख-वख गुरपुरब मौके भारत तो संगतां दर्शन करन आउंदियां ने, पर संगतां दे दर्शन लई अड़चना भी आउंदियां रहिंदियां ने, जिस संबंधी संगतां दी मंग है कि उन्हां दे जाण लई राह होर भी आसान बनाया जावे। बाबे की दी सिद्ध गोष्ट शब्द साथ सिता विच आई। असी भी अरदास करदे आं पंथ तो विछोड़े गुरतावां दे दर्शन दिदारे होर भी आसान कीते जावे। रात दा खट दर्शन आदेश करा। अरदास विच भी लिखिया होया है, हे अकाल पुरख सदा सहाय दातार जीओ, श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारे गुरतावां दे जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन इस्नान अते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। आदेश कराई खट दर्शन आदेश कराई दर्शन आदेश कराई। तन नानक तेरी वड़ी कमाई। गुरु साहिब जी ने लोकां नूं निस्वार्थ जीवन जीन दी सिख्या दित्ती है। उन्हां ने लंगर दी प्रथा शुरू कीती जिथे ना कोई अमीर ते ना कोई गरीब है। अज भी इस प्रथा नूं कायम करदे होया देश विदेश च भी लंगर छकाया जांदा है ते विदेशां च भी सिखी नूं कायम रख्या जा रहा है। बिन गुर पूरे नाही उधार, बिन गुर पूरे नाही उधार, बाबा नानक आखे सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी तुंद जग चानन होआ। श्री गुरु नानक देव जी ने अपने दैवी संदेश नाल पूरे संसार विच प्रचार करन वास्ते चार उदासियां कीतियां। ओ संसार दे हर कोने विच पहुँचे ते उन्हां ने विविध प्रकार दियां धार्मिक परंपरावां नूं नेड़े हो के वेख्या अते अज्ञानता विच ग्रस्त लोकां नूं सही राह ते चलन दी प्रेरणा दित्ती। श्री गुरु नानक देव जी दे अनुसार परमात्मा एक है, अवल अल्लह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन पले को मंदे, सो क्यों मंदा आखिए, जित जमै राजान। इस संदेश नूं मुख रखदिया उन्होंने औरत ते आदमी नूं एक दर्जा दिता अते जात पात दे परमाणु मिटाया। गुरु जी ने निस्वार्थ जीवन जीन की सिख्या दिती। उन्होंने लंगर की प्रथा शुरू की जिथे ना कोई अमीर ना गरीब ना कोई वड्डा ना कोई छोटा मनिया जाएगा अते कहा किरत करो वंड छको नाम जपो। अज भी इस प्रथा नूं कायम करते हुए देश विदेश दे गुरुद्वारियां विच लंगर छकाए जाते हैं अते अपनी सिखी सभ्यता नूं अगे वधांदे होए सिखी नूं कायम रख्या जा रहा है। मानवता नूं एकता दा संदेश दिता जा रहा है। गुरबाणी दे वाक अनुसार
सेवा करत होई नह कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। कल तारन गुरु नानक आया, कल तारन गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। दुबई विच सिखी नूं वधांदे अते कायम रखदे होए दुबई दा पहला गुरद्वारा गुरु नानक दरबार 2010 विच उसारिया गया। दुबई दा पहला गुरद्वारा होण दे नाल नाल इस गुरद्वारे दे नाम कई रिकॉर्ड भी शामिल हन। यह दुनिया दा पहला गुरद्वारा है जिसनूं ISO सर्टिफिकेट मिलिया है। इन्ना ही नहीं, इस गुरद्वारे दे नाम 2 गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल हन। जिस विच एक रिकॉर्ड 101 डिफरेंट नैशनैलिटीज़ नू इकट्ठे बिठा के लंगर छकाया, जो कि यह दर्शाता है कि दूर रह के भी साड़ी सिखी ते साडे पहले गुरु जी की सिक्ख्या नू कायम रखा जा रहा है। गुरु नानक सिख टैंपल न्यू साउथ वेल्स। गुरु नानक सिख टैंपल ऑस्ट्रेलिया का सब तो पहला गुरुद्वारा है जिसकी स्थापना 1969 विच कीती गई। इस गुरुद्वारे नू वर्ल्ड वॉर 2 तो बाद बनाने का सोचा गया। इस गुरुद्वारे की पुरानी बिल्डिंग नू म्यूजियम विच कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि सिखी नू ऑस्ट्रेलिया विच हमेशा लिए जीवित रखा जा सके। इस गुरुद्वारे की नवी इमारत की किचन मॉडर्न इक्विपमेंट्स नाल तैयार की गई है, जिथे आई हुई संगतां वास्ते लंगर तैयार किया जाता है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साउथ हॉल। गुरुद्वारा साहिब की स्थापना 1950 विच कीती गई। दुनिया विच जिन्ने भी गुरुद्वारे बनाए गए हैं, यह गुरुद्वारा दुनिया का तीजा सब तो वड्डा गुरुद्वारा है। 2003 विच इस गुरुद्वारे की नवी इमारत की इनोग्रेशन प्रिंस चार्ल्स ने कीती। इस गुरुद्वारे विच 15,000 श्रद्धालु हर हफ्ते गुरु जी के चरणों विच मत्था टेकदे ते लंगर की प्रथा कायम करते हुए 20,000 श्रद्धालुओं नू हर हफ्ते लंगर छकाया जाता है। कैनेडा विच जिथे बहुत सिख वसे हुए हैं, लेकिन कैनेडा के ओंटेरियो शहर विच खालसा दरबार गुरद्वारा 1978 विच उसारिया गया, जिथे 40,000 तो वध संगतां गुरु के दर से आके मत्था टेक दिया हन अते लंगर छक दिया हन। विदेशां विच जिन्ने भी गुरद्वारे उसारे गए हन, उन्हां विचों इस गुरद्वारे का निशान साहिब सब तो उच्चा है। सतनाम 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 जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब की स्थापना 2016 विच कैनेडा की यूथ संगत ने कीती ते उत्थे यूथ वल्लों कई प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करवाए जांदे हन, जिवें सीनियर सिटीजनस वास्ते कंप्यूटर क्लासेस अते बच्चियां नूं गुरमत क्लास दित्ती जांदी है। एल सोब्रांटे गुरद्वारा साहिब 1979 विच कैलीफोर्निया दे सैन फ्रांसिस्को शहर विच उसारिया गया। इस गुरद्वारे की खास गल यह है कि यह गुरद्वारा पहाड़ी इलाके विच स्थापित है ते इस गुरुद्वारे दे गुंबद सोने दे बनाए गए हन। गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक। MH1 परिवार वालों गुरु नानक देव जी दे प्रकाश पुरब दी आप सारी संगतां नूं लख लख वधाइयां होण जी। गुरु नानक की वडियाई।
ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਬਖਸ਼ੋ ਆ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਜੋ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਰ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ।